हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। तो कैसे हैं आप सब और कैसा लगा आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक? देख लिया आपने ये वीडियो? नहीं देखा है अभी तक तो टैग करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई बटन में भी, जरूर चेक करना ये फेस्टिव मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट करी है। और अब टाइम हो गया है गेट अनरेडी विद मी का, तो मुझे अनरेडी होना है, अपना स्किन केयर करना है। लेकिन मैंने इस वीडियो को एक स्पेशल वीडियो इसलिए बना दिया है क्योंकि मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि दीदी हमें सन टैनिंग हो रही है, आप कोई स्पेशल स्किन केयर बताइए सन टैनिंग रिमूव करने के लिए और हम किस तरह से सन डैमेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप भी जानना चाहते हो, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे और ये स्किन केयर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स ऑफ माय लाइफ एंड व्हाट बेटर देन फॉलोइंग मी ऑन माय व्लॉग चैनल। यस, आई हैव अ व्लॉग चैनल इंडियन MBBS जहां मैं बड़े फन भरे और मस्ती भरे वीडियोस लाती हूं अपनी फैमिली के साथ। चलो अब अपना इंट्रो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से अनरेडी हो जाते हैं और बढ़िया सा सन टैन रिमूवल स्किन केयर बताती हूं आपको। साथ ही कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। अच्छा लगा मेरा ये हेयर स्टाइल? देखो अब मैं आप लोगों के कहने पर नए नए हेयर स्टाइल्स भी लेकर आती हूँ, खुद भी सीखती हूँ और जो मैं सीख जाती हूँ वो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। मेरा ना मन ही नहीं कर रहा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा अनड्रेस होने का और अनरेडी होने का, बट होना तो पड़ेगा। तो ये मेरे इयररिंग सबसे पहले मैं उतार लेती हूँ। ये मैंने एक इंस्टा स्टोर से लिए हैं और आपको सारी डिटेल्स मेरे मेकअप वाले वीडियो में मिल जाएंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। और अब फटाफट से मैं अपना मेकअप रिमूव करूँ। तो आज मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी ऑलिव ऑयल के साथ, बिकॉज जब मैं कभी थोड़ा हैवी काजल और मोटा आई लाइनर वगैरह लगा लूँ ना, तो मैं उसे ऑयल के साथ क्लीन करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने अपना पूरा मेकअप क्लीन कर लिया है, रिमूव कर लिया और साथ ही फेस वॉश भी कर लिया है, क्योंकि आज मैं फोकस करने वाली हूँ सन टैन रिमूवल स्किन केयर पे। और मैं आपको बहुत ही खास एक फेस पैक बताने वाली हूँ और एक अच्छा सा प्रोडक्ट जिससे कि आपकी सन टैनिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फटाफट अपना फेस क्लीन कर लिया, बिकॉज जब हम फेस पैक अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए ताकि उस फेस पैक की सारी न्यूट्रिशंस जो हैं वो हमारी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अगर हमारी स्किन पर गंदगी होगी तो हमारा फेस पैक असर नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी यानी फुलर्स अर्थ, जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालेंगे हम। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल के बाद आपको ऐड करना है 2 से 3 चम्मच रोज वाटर। रोज वाटर आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं ताकि पेस्ट कंसिस्टेंसी बना सके। और लास्ट आपको इसमें स्क्वीज करना है 1/2 लेमन यानी नींबू का रस। बस ये 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इनको अच्छे से आप मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन से सारी डर्ट, ग्राइम और गंदगी को अच्छे से निकालती है, आपके ऊपर जमी हुई टैनिंग वाली परत को हटाती है। लेमन आपकी स्किन को ब्राइट करता है। एलोवेरा जेल और रोज आपकी स्किन पे हुए सनबर्न को सूद करता है। तो देखो हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये सबसे बढ़िया सन टैन रिमूवल फेस पैक है, आप इसे अपनी पूरी बॉडी और फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, लेकिन आप जब भी बाहर जाते हैं तो आपकी बॉडी का जितना भी एरिया एक्सपोज रहता है आप उस सब पर ये पैक लगा सकते हैं। पैक को आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है और ये 15 से 20 मिनट्स में सूख जाएगा। उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना और मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। तो फेस पैक वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो अपने किसी भी फेवरेट मॉइस्चराइजर के साथ। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप 10 मिनट्स वेट करो ताकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद बारी आती है लगाने की सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को अगर आप मिस कर रहे हो अपनी स्किन केयर में तो आपको सन टैन होना तो लाजमी है और वो ठीक भी नहीं होगा, इसलिए सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नया और बहुत ही बढ़िया सनस्क्रीन प्रोडक्ट। ये है सनकेज 100% फिजिकल सनस्क्रीन बाय गैल केयर फार्मास्यूटिकल्स। इसमें नेचुरल जिंक ऑक्साइड शील्ड है और SPF 50 प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस कवर्स UVA, UVB एंड IRR प्रोटेक्शन यानी इंफ्रारेड रेज। तो ये है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन सनस्क्रीन।
जो आपको प्रोवाइड करती है क्रिटिकल वेवलेंथ 380 nm. इट इज अ नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट, वाटर रेजिस्टेंट है, नो वेटिंग पीरियड रिक्वायर्ड, हाइपो एलर्जेनिक है, फ्रेग्रेंस एंड पैराबेन फ्री है. ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एक्टिव से बना हुआ है और इसमें आपको नेट वेट मिल रहा है 50 ml. ये आपको बहुत ही इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी. मैं इसके बाइंग लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर बाय करें. इसका प्राइस है 490 rupees और ये 3 years ऑफ शेल्फ लाइफ के साथ आती है. ये ब्रांड क्रुएल्टी फ्री है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, 100% वेजिटेरियन ब्रांड है, ISO एंड GMP सर्टिफाइड कंपनी. तो अब मैं आपको सनस्क्रीन की एप्लीकेशन दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट, आपको कितनी सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करनी चाहिए. ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं 1 FTU यूनिट. FTU इज फिंगर टिप यूनिट. तो आपको सनस्क्रीन के 2 FTUs लेने हैं, यानी 2 फिंगर टिप यूनिट्स अपने फेस पर लगाने के लिए. सनस्क्रीन अप्लाई करने का तरीका है कि आप इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पर प्लेस करें. फेस पर सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद याद रखना है अगला पॉइंट कि आपको इसे अपने स्किन में मसाज नहीं करना है, सिर्फ स्प्रेड करना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती है बल्कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है. तो जितना भी आपका एक्सपोज्ड एरिया है, आपकी नेक, आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, अगर लेग्स भी एक्सपोज्ड हैं, फेस पूरा हिस्सा अच्छे से सनस्क्रीन से आपको जेनरसली कवर करना है. इसके अंदर है नेचुरल जिंक ऑक्साइड जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है एक अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का. तो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद आपको 10 मिनट्स का गैप देना है इससे पहले कि आप अपने फेस पर कोई मेकअप करना शुरू करें. याद रखिए 10 मिनट का गैप बहुत जरूरी है. साथ ही आपको अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि आप घर से बाहर जाने से कम 20 मिनट पहले अपनी सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई कर लें. तो ये ही है सही तरीके अपनी स्किन का ख्याल रखने के, ताकि आपको सन टैन ना हो, सन बर्न ना हो और सन की हार्मफुल यूवी रेज से आपकी स्किन डैमेज ना हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन सनस्क्रीन. तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. अगर आप ये वाला स्किन केयर फॉलो करते हैं, यानी कि ये DIY फेस पैक हफ्ते में 2 बार लगाते हैं और अपने फेस को क्लीन रखते हैं और साथ ही एक अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन भी अप्लाई करते हैं, तो आपकी सन टैनिंग रिमूव हो जाएगी, आपकी सन डैमेज स्किन का जो है वो क्योर हो जाएगा धीरे धीरे. और हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूं जो कि मुझे मालूम है कमेंट सेक्शन में बहुत आएगी कि दीदी आपने फेस पैक में लेमन भी ऐड किया है, लेमन मेरी स्किन को सूट नहीं करता. तो अगर आपकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता तो आप लेमन की जगह किसी भी अच्छे विटामिन सी सीरम की 3-4 drops अपने पैक में ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पुट डाउन करो, मैं जरूर रिप्लाई करूं. मिलती हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. आई लव यू सो मच. बाय.